रामपुर गांव के जंगल में एक चिड़िया अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन उसका पति दूसरी शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। अरे तो मैं दिखाई नहीं देता क्या? यह मेरी पत्नी है मीनू। अब तुम निकलो मेरे घर से। वैसे भी तुम दहेज में लाई ही क्या थी, और ये ऊपर से तुम्हारी कलमही बेटी पैदा हो गई। मुझे लड़का चाहिए था और तुमने इस कलमही को जन्म दे दिया। अब निकलो मेरे घर से और अपनी कलमही बेटी को भी लेके जाओ यहाँ से। जाओ बादल जी। ओ बादल जी, आप ये क्या कह रही हो? मैं बड़े जंगल में अपनी बेटी के साथ कहाँ जाऊंगी? बादल जी, हमारे साथ ऐसा मत करो ना, प्लीज बादल जी, हम कहाँ जाएंगे? ओ कलमोही, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? बादल जी ने क्या कहा? निकलो हमारे घर से, जाओ यहाँ से। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? लाडो बेचारी रोती हुई वहां से अपनी बेटी के साथ इधर उधर भटकती रहती। फिर उसे एक खाली घोंसला दिखता है। वह अपनी बेटी के साथ उस घोंसले में चली जाती है और जब ही थोड़ी देर बाद उसकी बेटी बोलती है, माँ, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अब लाडो बेचारी करती ही क्या, वह खुद मजबूर थी, उसके पास उसे कुछ देने के लिए था भी नहीं, वह बहुत बेबस थी। वह फिर अपनी बेटी के साथ उसे लेकर जाती है और उड़ती रहती है इधर उधर। फिर उसे एक समोसे वाले की ठेली दिखाई देती है। वह अपनी बेटी के साथ वहां चली जाती है। बहुत जरूरत है, मुझे काम दे दोगे क्या आप? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? ऐसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है सुबह से। तुम्हें क्या नौकरी चाहिए? मुझे खुद यहाँ 1000 समोसे बनाने हैं। मेरी वैसी आज काम वाली नहीं आई है, ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रही हो। समोसे बनाने आते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे तो तुम दूर क्यों खड़ी हो? जल्दी आओ और समोसे बनाओ फटाफट मेरे साथ मिलकर। देखता हूँ तुम कैसे समोसे बनाती है। फिर लाडो समोसे बनाती है और उसकी बेटी भी उसकी सहायता करती है और वह जल्दी 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 समोसे बनाती रहती है और उसके 1000 समोसे हो जाते हैं। अरे कल्लू भैया, ओ कल्लू भैया, मैंने पूरे 1000 समोसे बना दिए हैं और उसमें फालतू भी होंगे। तुम घबराओ मत, तुम्हारा काम हो गया है। अरे वालाडो, तुमने कितना अच्छा काम किया है, तुमने पूरे 1000 समोसे बना दिए और फालतू भी। वाह, तुम्हारा तो शाबाशी देनी चाहिए, तुमने इतना अच्छा काम किया है आज। और तभी
कल्लू लाडू को पैसे देता है और उससे कहता है, अरे लाडो, तुम चाहो तो समोसे खा सकती हो और अपनी बेटी को भी खिला सकती हो, और कल से मेरी दुकान पर समोसे तुम ही बनाना। तुम यहीं रहना, यहीं खाना, मैं तुम्हें घर भी दूंगा। ठीक है, तुम कहीं मत जाना, तुम यहीं रहना, तुम्हारे समोसे मेरे ग्राहक को अच्छे लगेंगे। और फिर लाडो उस कल्लू समोसे वाले के दुकान पर ही रहती है, वहीं समोसे बनाती है, वहीं बेचती है और अपनी बेटी के साथ वहीं खुश रहती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल प्रिया कार्टून क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।